तो भाई लोग आज तुम्हारे भाई ने रिकॉर्ड तोड़ना है, तो पीछे भी लाइट लगा ली और भाई आगे भी लाइट लगा ली। तुम्हारे भाई का 176 किलोमीटर का रिकॉर्ड है, अब तुम्हारे भाई का हो जाएगा 180 प्लस का। तो भाई अभी मुझे तो तुम्हारा भाई इस टाइम पता है कहाँ पे है? हॉस्पिटल में। नमस्ते एवरीवन, मैं नाम मोहित चौहान, मैं कर रहा हूँ 75 हार्ड साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी। तो भाई लोग आज मेरा 61वां दिन है और भाई अब मेरे पास मात्र 12 दिन बचे हैं और 12 दिन में मुझे दिल्ली पहुंचना है और आज मैं एमपी का बॉर्डर क्रॉस करके यूपी के बॉर्डर में एंटर कर जाऊंगा और भाई वहां से प्रयागराज की दूरी होगी 250 किलोमीटर यहां से 250 किलोमीटर दूर है और भाई फिर उसके बाद जो अयोध्या की दूरी है वो कम से कम 150 किलोमीटर दूर है प्रयागराज से। फिर मैं प्रयागराज पहुंचूंगा और प्रयागराज पहुंचने के बाद मैं निकलूंगा सीधा दिल्ली के लिए। और भाई लोग तुम्हारे भाई के पास अब टाइम बहुत कम बचा है और जितना जल्दी हो सकता है भाई मुझे कवर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कभी रास्ते में कुछ दिक्कत हो जाए तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब है, कभी कोई रास्ते में कुछ दिक्कत हो जाए तो इसी हिसाब से मुझे थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा और भाई जितना हो सकता है ज़्यादा कवर करूँ ताकि भाई बाद में 4-5 दिन में मैं बहुत कम कवर करूं तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी उसे मैं कवर कर सकूं। तो मुझे अब 100-120 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो भाई लोग रात तुम्हारे भाई ने यहाँ पे टेंट लगाया था पेट्रोल पम्प पे, रात के टाइम मैं लेट हो गया था तो फिर मुझे पेट्रोल पम्प मिल गया और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने आम के पेड़ के नीचे भाई टेंट लगाया था। वैसे एक बात है, तुम्हारे भाई पे टेंट लगाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया। देखो भाई कितनी खूबसूरत जगह है, भाई मेरे पीछे खेत हैं और उसके पीछे देखो भाई पहाड़। रियलिटी बताऊं तो हमारी यूपी में तो पहाड़ है नहीं, पर भाई एमपी में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, मतलब कि हर स्टेट में पहाड़ मिलेंगे तुम्हें, पर भाई यूपी में नहीं है बिल्कुल भी। रियलिटी बताऊं तो मैं ये सोचता था कि हमारे उत्तराखंड में हो गया, हिमाचल में हो गया, कश्मीर साइड हो गया, इधर पहाड़ है, पर भाई इधर भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैं सोचता था कि इधर होंगे बस ऐसे ही होंगे कि छोटे मोटे पहाड़ होंगे, ऐसा नहीं है भाई, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। क्योंकि भाई मैं साइकिलिंग करता हुआ आया हूँ ना भाई, ऐसे ऐसे पहाड़ थे कि मुझे साइकिलिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ऐसे ऐसे पहाड़ थे। पर भाई लोग एक बात बता दूँ कि इस साइड ना मुझे बहुत सारी ज़मीन ने ऐसे ही खाली पड़ी, बंजर दिखाई दी, क्योंकि भाई इधर इतनी ज़्यादा खेती नहीं है। जितनी खेती हमारी साइड होती है ना भाई इधर नहीं है, मतलब तुम्हें यूपी में तो कोई कोई ज़मीन खाली मिलेगी और इस साइड तो भाई तुम्हें पता नहीं कितनी ज़मीन खाली मिलेगी, रास्ते में तो बहुत ज़्यादा खेती है ना। रियलिटी बताऊँ तो वो हमारी साइड में है, यूपी, बिहार और तुम्हारा हरियाणा और पंजाब, इधर ही खेती देखने को मिलेगी, तुम्हें हरा भरा दिखाई देगा सब जगह। पर भाई इधर तो जैसे मैं महाराष्ट्र से भी आया, एमपी में हूँ, अब तेलंगाना से भी आया, तो भाई हर एक स्टेट साउथ के मतलब कि मैंने कवर किए, तो भाई इतनी ज़्यादा खेती नहीं है जितनी हमारी खेती इधर होती है ना, इधर नहीं है। इधर तो बहुत सारी ज़मीन ने मुझे ऐसे ही खाली मिली और सबसे बड़ी बात है भाई पानी की दिक्कत हमारे उधर, भाई रियलिटी बताऊँ तो इंसान भूखा मरने वाला है नहीं, क्योंकि भाई पानी की कमी नहीं है। दूसरा भाई ज़मीन उपजाऊ है और इधर भाई सबसे बड़ी बात है पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। अगर ज़मीन उपजाऊ भी है ना तो भाई पानी की किल्लत है, वैसे नहीं कुछ होने का, ज़मीन वैसे उपजाऊ है ये पर भाई पानी की कमी है। तो भाई जितना हो सके भाई पानी का सही यूज़ करो, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में जो लड़ाई होगी ना वो पानी के ऊपर होगी, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर नहीं होने की, अब ज़मीन के ऊपर होगी, ज़मीन के ऊपर भी नहीं होने की, भाई जो लड़ाई होगी वो असली लड़ाई पानी के ऊपर है, बस अब आगे आने वाले टाइम यूँ है। चलो भाई टेंट को जल्दी जल्दी से पैक करते हैं और भाई निकलते हैं, क्योंकि भाई अभी तो मैं नहा के भी निकलूंगा, 4-5 दिन हो गया तुम्हारा भाई नहाया नहीं, कुछ कपड़े वहाँ पे मैंने सुखा दिए अपने, अब निकलते हैं बस नहा धो के। तो भाई लोग मुझे नहाने की व्यवस्था मिल गया पेट्रोल पंप पे, तो आज नहा के चलूँगा, क्योंकि भाई रियलिटी बताऊँ ना 6-7 दिन हो गए तुम्हारा भाई नहाया नहीं अभी तक, तो भाई मेरी क्या हालत हो रही होगी अंदर से, मुझे कभी कभी तो अपने आप से घिन आने लग जा, तुम्हारी कसम इतना ज़्यादा गंदे वाला स्ट्रगल करना पड़ रहा है आदमी को, भाई नहाने तक का भी टाइम नहीं है, टाइम भी है तो फिर वो नहीं मिलता, क्या नाम है, सुविधा नहीं मिल पाती, तो एक एक चीज़ मेरे लिए पता नहीं कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक एक चीज़ के लिए। तो भाई लोग तुम्हारे भाई का नहाना धोना भी हो गया और साइकिल को भी रेडी कर दिया अपनी शेरनी को, अब निकलते हैं। और भैया से बात की तो मैं बता रहे 180 किलोमीटर दूर है, मगर 180 किलोमीटर मैं सोचा था कि आज कवर कर दूंगा,
पर आज तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं जाके कितनी दूर है, क्या पता भैया को कुछ गलत फहमी हो। चलो कोई नहीं, चल के देखते हैं ग्राउंड लेवल पे, पता लगेगा कि कितना दूर है। वैसे भाई लोग आज तुम्हारे भाई को साइकिलिंग करने में मजा आ रहा है सुबह सुबह, क्योंकि भाई सुबह उठ के नहाने को मिल गया, अच्छे से फ्रेश हो गया, और क्या चाहिए। एक बार दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए फिर तो तुम्हारे भाई का पूरा दिन अच्छा जा पूरा, मतलब अगर सुबह के टाइम नहा धोला है ना इंसान तो वो अधूरापन से ही रहता। बहुत बार ऐसा लगा कि भाई कब से नहीं नहाया, ये वो फलाना, कम से कम 6 से 7 दिन हो गए थे और तुम्हारा भाई आज नहाया, तो भाई बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मज़ा सा आ रहा है, और जो वो भारीपन सा था ना भाई वो सब दूर हो गया, अलग ही मौसम है। तो भाई लोग 55 से 60 किलोमीटर तो अभी तक चल चुका हूँ, और जो यूपी का बॉर्डर है वो 130 किलोमीटर दूर है, वो 12:30 बज गए। अब सोच रहा हूँ कि आज कवर करूँ या फिर कल, क्योंकि आज अगर कवर करता हूँ तो मुझे साइकिलिंग करते करते 9 बज जाएंगे। चलो देखते हैं, कम से कम 2 घंटे मुझे अंधेरे में साइकिलिंग करनी पड़ेगी अगर मुझे यूपी का बॉर्डर क्रॉस करना है, देखा जाएगा जो भी होगा। तो भाई लोग खाना पीना भी हो गया, और अब यहाँ से जो यूपी का बॉर्डर है वो 94 किलोमीटर दूर है, और भाई इतना मैं चल चुका अभी तक 90-95 के आसपास, और इतना ही दूर है अभी भी। तो मेरे ख्याल से आज तो कवर नहीं होगा, कल तक ही होगा, वैसे कोशिश पूरी करी जाएगी। रात के टाइम साइकिलिंग करनी पड़ेगी, दिक्कत ये है, और साइकिल की जो लाइट है वो ख़राब हो रखी, तो दिक्कत ये आ रखी। यूपी का बॉर्डर अब 57 किलोमीटर दूर है, और तकरीबन 125 से 30 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग कर ली अभी तक, तो यानी कि आज रिकॉर्ड टूट सकता है अगर मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता रहा। लगभग 8 बजे तक साइकिलिंग करनी पड़ेगी आज, 8 बजे से भी ज़्यादा ही, 2.5 घंटे, हाँ 3 घंटे, यानी कि 8:30 बजे तक साइकिलिंग करनी पड़ेगी भाई, आज रिकॉर्ड तोड़ना ही पड़ेगा। और भाई क्योंकि तुम लोगों को पहले ही बोल रखा था कि आज मैं यूपी का बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा, पर अभी तक 57 किलोमीटर दूर हूँ अभी यूपी के बॉर्डर से, और एमपी का बॉर्डर क्रॉस करने में अभी 57 किलोमीटर दूर है। प्रयागराज 97 किलोमीटर, वाराणसी 210, कानपुर 298 किलोमीटर। मुझे लगा था साइकिल की लाइट खराब होगी, वो डोन हो रखी थी, फिर चार्ज करी, खैर अब तो चार्ज आयु बंद हो जा होगी। अब बंद क्यों नहीं हो रही, होगी। तो भाई लोग आज तुम्हारे भाई ने रिकॉर्ड तोड़ना है, तो पीछे भी लाइट लगा ली और भाई आगे भी लाइट लगा ली। तुम्हारे भाई का 176 किलोमीटर का रिकॉर्ड है, अब तुम्हारे भाई का हो जाएगा 180+ का, तो भाई अभी मुझे कम से कम 2 घंटे कंटिन्यू साइकिलिंग करनी पड़ेगी। अंधेरा पूरा हो गया तुम देख सकते हो भाई, और भाई सूरज देवता भी चले गए, अब मुश्किल बड़ी बड़ा वक्त है, क्योंकि भाई एक तो मच्छर गिरने का डर, ऊपर से ट्रक का डर, तो देखी जाएगी जो भी होगा। आज आज तुम्हारा भाई 180+ करेगा। आज साइकिलिंग करते करते तुम्हारे भाई को 8:30 बज गए थे, फिर उसके बाद कहीं पे स्टे नहीं मिला तुम्हारे भाई को, वैसे आज तुम्हारे भाई को बॉर्डर क्रॉस करना था पर नहीं हो पाया, यहाँ से यूपी का बॉर्डर 18 से 20 किलोमीटर दूर है। तो तुम्हारा भाई इस टाइम पता है कहाँ पे है, हॉस्पिटल में भाई, कहीं पे स्टे नहीं मिला तुम्हारे भाई को, मतलब कोई पेट्रोल पम्प नहीं दिखाई दिया, ढाबे पर मैं रुका नहीं। तो तुम्हारा भाई इस टाइम पता है कहाँ पे है, हॉस्पिटल में भाई, कहीं पे स्टे नहीं मिला तुम्हारे भाई को, मतलब कोई पेट्रोल पम्प नहीं दिखाई दिया, ढाबे पर मैं रुका नहीं,
और दूसरा कोई मंदिर भी दिखाई दिया। मैं सोच रहा था कि बॉर्डर क्रॉस कर लूँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे हॉस्पिटल दिख गया। रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और दूसरा क्या भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, कहीं बाहर टेंट लगा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक चद्दर है बस। तो मैं हॉस्पिटल में आ गया, फिर इनसे कंबल वम्बल इनसे लिए, इन्होंने बेड की व्यवस्था भी दे दी। तो भाई इतना कर दिया इन्होंने वही बहुत। तो तुम्हारे भाई ने आज 161 किलोमीटर साइकिलिंग की है, आज भी रिकॉर्ड नहीं टूटा, नहीं 160 किलोमीटर साइकिलिंग की है। तो तुम्हारे भाई ने 160 किलोमीटर साइकिलिंग की है, तुम्हारे भाई का जो रिकॉर्ड है 176 किलोमीटर का वो आज भी नहीं टूटा। चलो कोई नहीं, अगली बार तोड़ेंगे। वैसे तुम्हारा भाई कल पहुँच जाएगा यूपी में प्रयागराज। तो भाई लोग इस वाले व्लॉग को तो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।